सब्सक्राइब करें हमारे चैनल IAS PSC सॉल्यूशन को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं झारखंड जीके का पार्ट थर्ड लाया हूँ। देखिए, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ काम में था, इसलिए तो सॉरी। और अब लगातार मेरा सीरीज चलते रहेगा। तो ये मेरा पार्ट थर्ड है झारखंड जीके का। तो इसमें और ये जो है हमारा ये PDF फाइल मैंने बनाया है, इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक जो है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन करके आप इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या मैंने सेट किया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह ने किस वर्ष किया था? तो जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का गठन 1950 ईस्वी में किया था। ठीक है, जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का गठन कब किया था? 1950 ईस्वी में किया था। अगला है, चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? चांडिल डैम स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। चांडिल डैम कहाँ स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 के संस्थापक कौन थे? देखिए, ये जो है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी वो 1967 में बना था, और इसके संस्थापक कौन थे? तो है बागुन सुमराय। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था, तो इसी क्वेश्चन में आपका दो दो आंसर हो गया। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन 1967 में हुआ था और इसके जो संस्थापक है वो कौन है? बागुन सुमराय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है नेतरहाट। यहाँ पे बारिश भी सबसे ज्यादा होती है नेतरहाट में, तो ठंडा प्रदेश और ठंडा और बारिश, अगर ये क्वेश्चन आए तो हमारा होगा आंसर नेतरहाट। अगला है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, बिरहोर का मतलब होता है जंगल का आदमी। ठीक है, बिरहोर का मतलब क्या होता है? जंगल का आदमी। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसमें जनसंख्या वैसे नहीं पूछ रहा है किस जिले का जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इसमें पूछ रहा है कि नगरीय जनसंख्या। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और लोग थोड़ा जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। तो ये हमारा नगरीय जनसंख्या, तो झारखंड का सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है वो है धनबाद। ठीक है, अगला है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ एक ही जिले में आती है, सॉरी, देखिए ये क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी जो है वो झारखंड में किस जिले में बहती है? तो ये है हमारा साहबगंज। ठीक है, साहबगंज से ये बहती है, ही लग गया है, थोड़ा सा गलत हो गया है। अगला है, किस स्थान के पास मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है? तो वो है नेतरहाट में, मैग्नोलिया पॉइंट जो है वो कहाँ है? नेतरहाट में है। इसको स्क्रॉल करते हैं, देखिए अगला है, कौन सा स्थान झारखंड में तांबे के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए जो प्रसिद्ध है वो है घाटशिला, एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए मुरी। ठीक है, तो क्वेश्चन एल्यूमिनियम या ये तांबे से आता है कि कौन सा स्थान जो है झारखंड में इसके लिए प्रसिद्ध है। तो अगर तांबे के लिए रहे तो वो है घाटशिला, अगर एल्यूमिनियम के लिए रहे तो वो मुरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला है, झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय, देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा गलती, विश्वविद्यालय दो बार आ गया, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1981 में, मात्र एक ही कृषि विश्वविद्यालय है झारखंड में, वो है बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय रांची, और इसका स्थापना जो है वो कब हुआ था? 1981 में। अगला है, झारखंड का कौन सा घाटी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो है दामोदर घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, अगला है, जनजातियों के प्रधान ईश्वर का नाम क्या है? देखिए, जनजातियों के जो प्रधान है उनको वे लोग क्या बोलते हैं? सिंहबोंगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? जनजातियों के देवता कौन है? सिंहबोंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या सबसे कम है? तो जनजातियों की सबसे कम संख्या वाला जिला जो है वो है कोडरमा। कौन सा जिला है? कोडरमा।
अगला प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए, विश्वविद्यालय से और कॉलेज से भी क्वेश्चन पूछता है, तो मेरा जितना वीडियो होगा उसमें सारा मिक्स रहेगा, लगभग मैं कवर करूंगा। तो इस क्वेश्चन में कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1960 1960 में। झारखंड के जनजातियों में किस प्रजातीय समूह की अधिकता है। देखिए, झारखंड की जनजातियों में सबसे ज्यादा जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलायड लोग हैं। कौन से लोग हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। ठीक है, अगला है, झारखंड के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया। तो उसमें से शुरू में जब बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, तो उस समय मात्र 18 जिले ही थे झारखंड में। उसके बाद 6 नए जिले और बनाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ आ गया। किस वर्ष में भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया था। देखिए, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। किस वर्ष में? देखिए, भारतीय संसद ने, यह भारतीय संसद, और फिर क्वेश्चन आएगा कि बिहार विधानसभा में। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना है। बिहार विधानसभा में 1997 में और भारतीय संसद ने 2000 में। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। किस वर्ष में भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया था? तो वो 2000 में किया था। ठीक है, अगला है, किसे धरती आबा कहा जाता है। तो बिरसा मुंडा को धरती आबा कहते हैं। ठीक है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति, देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है? वो है रांची। ठीक है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? रांची। अगला है, झारखंड राज्य निर्माण संबंधी प्रस्ताव बिहार विधानसभा में किस वर्ष पारित हुआ था। देखिए क्वेश्चन आ गया, बिहार विधानसभा में 1997 में पारित हुआ था और संसद में 2000 में। ठीक है, इसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बना। झारखंड के पहले सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह का क्या नाम था? पहला जो सबसे मतलब सुसंगठित जो था और सबसे व्यापक जो था वो था कोल विद्रोह। ठीक है, छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो है दामोदर भैरवी या दामोदर भेड़ा नदी भी कहीं कहीं देता है। तो दामोदर भैरवी नदी के किनारे जो है छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है। ठीक है, अगला है, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है की स्थापना वर्ष 1945 में। देखिए क्वेश्चन और आंसर इसी में है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, उसकी स्थापना 1945 में किस स्थान पर हुई थी? तो उसकी स्थापना जो है वो धनबाद में हुई थी। ठीक है, अगला है, झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन है? देखिए, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला जो है सबसे ज्यादा वो है रांची, और यहाँ पे है अनुसूचित जाति। ठीक है, वो था अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जाति वाला जो है वो है हमारा चतरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? तो आदिवासी सभा का गठन 1938 में हुआ था, दिसंबर 1938 में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के जनजाति आबादी का लिंग अनुपात क्या है? देखिए किसका ये पूछ रहा है अनुपात। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अनुपात पूछ रहा है जनजाति का। ठीक है, और उनका लिंगानुपात क्या है? ठीक है, 2011 के सेंसस के अनुसार तो वो है 1003। ठीक है, 1003। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू की थी? तो वो मुंडा लोगों ने, मुंडाओं ने सबसे पहले राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी झारखंड में। ठीक है, अगला है, सिकनी कोयला परियोजना, सिकनी कोयल परियोजना। ठीक है, ये जो है ये झारखंड के किस जगह में स्थित है? सिकनी कोयला परियोजना ये जो है ये झारखंड के लातेहार जिला में है। ठीक है, अगला है, झारखंड के बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? देखिए, झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि बंगाल में थोड़ा तबाही मचाती है, इसलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता है।
किस नदी को? दामोदर को। बिहार का शोक जो है वो क्या किसको बोलते हैं, उसका कमेंट में लिख दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में 16वां स्थान है, ठीक है। अगला है, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह, देखिए क्वेश्चन है आराम से पढ़िएगा और उसमें कुछ आंसर भी है, ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में झारखंड के प्रथम जनजातीय विद्रोह, देखिए प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन था? ढाल विद्रोह, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन मिल गया। अब दूसरा है विद्रोह, यहाँ पे दिया हुआ है 1767 से 77, देखिए कब हुआ था? 67 में, ठीक है, 1767 में कौन सा विद्रोह? ढाल विद्रोह, ठीक है। इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया था, ठीक है। अगला है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में, अप्रैल 1914 में हुई थी, ठीक है। अगला है, संथाल विद्रोह कब हुआ? ये जो विद्रोह है और ईस्वी है, इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इससे आता ही है। तो संथाल विद्रोह जो है वो 1855-56 में हुआ था, ठीक है, 1855 में ये स्टार्ट हुआ था संथाल विद्रोह। और आपको बताना है कमेंट में संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। किस त्योहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर के छप्पर पर साल के फूल रखता है, ठीक है, साल का जो पौधा है उसका फूल रखता है हर घर के छप्पर के ऊपर, ठीक है, किस त्योहार में? सरहुल, ठीक है, सरहुल में गांव का जो पुजारी होता है वो हर घर के छप्पर पर साल के फूल रखते हैं, ठीक है। अगला है, झारखंड राज्य में कितने संसद के सदस्य हैं? तो 20, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संसद बोल रहा है, सांसद नहीं, ठीक है। संसद जो है, संसद किसको बोलते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त को, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं संसद। तो हमारे यहाँ झारखंड में लोकसभा की टोटल सीटें कितनी है? 14 और राज्यसभा की 6, तो टोटल संसद की सीटें कितने हो गई? 20 सीटें झारखंड से, ठीक है। अगला है, छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कौन थे? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक जुएल लकड़ा थे, ठीक है। अगला है, लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? तो लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री जमशेदपुर में है, ठीक है। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? संथाल विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था, ठीक है। और अभी अभी हमने देखा संथाल विद्रोह कब हुआ था, 55 में, ठीक है, 1855 में स्टार्ट हुआ था और उसको उसका दमन जो है किसने किया था? कैप्टन अलेक्जेंडर ने, ठीक है। अगला है, 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहां के सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह किया था? देखिए ईस्वी भी दिया हुआ है, यानी कि 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहां के सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह किया था? तो वो क्या था? रोहिणी के सैनिकों ने, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। कैसा लगा क्वेश्चन उसका कमेंट में जवाब दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को फायदा मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।